प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन में चाय बेच चुके हैं। खुद मोदी इसका जिक्र कई बार कर चुके हैं। गुजरात में वडनगर के जिस रेलवे स्टेशन पर मोदी ने चाय बेची, अब उसे करोड़ों की लागत से टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा रहा है और अगस्त में खुद प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने जहां बचपन में चाय बेची, अब उस जगह को देखने पहुंचेंगे सैलानी। ये तस्वीर वडनगर रेलवे स्टेशन के उसी चाय स्टॉल की है जहां कभी बचपन में पीएम मोदी अपने पिता के साथ चाय बेचा करते थे। केंद्र सरकार यहां करोड़ों की लागत से मॉडल स्टेशन बना रही है। अभी रेलवे स्टेशन ऐसा बन रहा है कि लोग को देखने आना पड़ेगा वडनगर के अंदर। वडनगर पीएम मोदी का गृह क्षेत्र है। पीएम मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अपने चाय बेचने का जिक्र किया था, जिसके बाद बीजेपी ने चाय पर चर्चा का कार्यक्रम भी चलाया था। मोदी अब खुद को चाय वाले का बेटा कहते हैं। मॉडल स्टेशन के साथ पूरे वडनगर को टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा रहा है। वडनगर में विकास कार्य तेजी से पूरे हो रहे हैं। वडनगर को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वडनगर से मुंबई और दिल्ली की ट्रेन मिलेगी, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। पीएम मोदी बचपन में इसी शर्मिष्ठा तालाब में डुबकी भी लगाते थे। अब इस तालाब की शक्ल भी तेजी से बदल रही है। शहर के बीचों बीच बौद्ध धर्म से जुड़ी करीब 2000 साल पुरानी जगह मिली है। माना जाता है कि यहाँ बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जाती थी। इस जगह को भी टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि यहाँ बौद्ध धर्म से जुड़े लोग आएंगे, साथ ही विदेशी पर्यटकों के आने से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आएंगे तो यहाँ कुछ छोड़ के जाएंगे तो रोजगार तो मिलेगा ही। कोई रिक्शा वाले का चलेगा, कोई होटल वाले का चलेगा। केवल रेलवे स्टेशन नहीं, पूरे वडनगर में विकास के कार्य देखे जा रहे हैं और आने वाले 1-1.5 साल के अंदर ये सारे विकास के कार्य जब खत्म हो गए तो वडनगर के लोगों का मानना है कि खुद उनके प्रधानमंत्री यहाँ पर आए और उनका लोकार्पण करें। कैमरामैन कमलेश पटेल के साथ भौमिक व्यास, एबीपी न्यूज, वडनगर। और इस टी स्टॉल का, इस टूरिस्ट स्पॉट का खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त में करेंगे उद्घाटन। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।